लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नहीं खा सकता। पेटूराम खाएगा, 10 मिनट में खाएगा। चकली। ये भी उसी 10 मिनट में? तो मैं 50 रुपए हार जाऊंगा। मेरे भी 50, मेरे 75 रुपए। तो मेरे 100 रुपए। अरे पेटूराम, अगर नहीं खा सके तो अपनी इज्जत का भाजी पाला हो जाएगा। अरे कैसे होगा, तुम फिक्र मत करो, हम सब खा जाएंगे। हाँ, बजाओ बजाओ, जय बजरंग बली। नहीं देता है तो जाने दो ना। अरे बेशरम, चंदा करके खा रहा है, बाजार में मेरी इज्जत का नीलाम करवा रहा है। अरे दिन में 5 बार मैं तुझे खाना नहीं देती क्या? बोल, नहीं देती? अरे तो मुफ्त में थोड़ी देती है। रोज पेट पे चढ़ के मैं इमली तोड़ के लाता हूँ। मंदिर में जितने भी नारियल फूटते हैं ना, सबसे पहले मैं झपट के ले आता हूँ।
तू उसकी चटनी बनाती है और अपने वड़े और समोसे के साथ बेचती है, तभी तो तुम्हारी दुकान चलती है दादी मैं। देखो देखो इस कपूत को, उल्टा जवाब पकड़ाता है मुझे। न जाने कौन सी कुलक्षणी माँ जन के तुझे मंदिर में छोड़ गई थी, और मेरी क्या मत मारी गई जो मैं तुझे उठा कर लाई। इस आशा से कि दुनिया में मेरा कोई राय नहीं, तू तू मेरी चिता को आग लगाएगा, हरामखोर तू तू तू। मैं भाग जाऊंगा, घर छोड़ के भाग जाऊंगा, तेरी चिता को कौन आग लगाएगा। फिर धमकी देता है नालायक, खा मेरी कसम, खा कसम के घर छोड़ के नहीं जाएगा। तुम भी कसम खाओ, मुझे कभी नहीं मारोगी। नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी मेरे राजा बेटा, नहीं मारूंगी। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मेरी दादी माँ, नहीं जाऊंगा। जिन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हो उन्हें गहरे पानी के करीब नहीं जाना चाहिए राम। पेटू राम, वो तो तुम्हें लोग पुकारने लगे हैं, नाम तो तुम्हारा राम ही है ना। अच्छा ये क्या? ये कीचड़ कहाँ से लगा लाई? अच्छा ये वो जो हमारा पेटूराम है ना, उस बेचारे को दौरा पड़ गया था, तालाब के किनारे डूब रहा था। अच्छा वो मेरी नजर पड़ गई, बाप रे बाप कितना मोटा है वो। मेरा दम निकल गया उसे बाहर खींचते खींचते। ये हंसने की बात नहीं है राधा, कोई देख लेता तो क्या सोचता है। स्वर्गीय हनुमंत राय की इकलौती बेटी एक भिखमंगे के लिए अपने कपड़े गंदे कर रही है। लेकिन तेज भैया, इंसान इंसान तो सब बराबर होते हैं। याद रखो राधा, अमीर और गरीब के दरमियान एक लकीर होती है। खानदानी लोग खानदानी होते हैं, अच्छे लोग अच्छे होते हैं, और फिर गरीब आदमी आदमी नहीं रहता, उसकी आत्मा मर चुकी होती है, वो कुत्तों की तरह टुकड़ों पर झपटने लगता है। पेटू राम, सारे के सारे नारियल तुम अकेले ले जाओगे? हाँ, मैं सब दादी माँ को दूंगा, वो इसकी सटड़ी बनाएगी और फिर समोसे के साथ मुझे खाने के लिए देगी, और मैं है ना, मैं सब खा जाऊंगा। मैं नहीं मानता कि राधा बहन साहब ने पेटू राम का बचाया होगा। हाँ, लगता नहीं। अरे बचाया था, मैंने तुम लोगों को बताया था ना, मुझे है ना वो दौरा पड़ गया था, अगर राधा मेम साहब नहीं आती तो मैं तो मर जाता पानी में डूब के। लेकिन हम लोग कैसे मान ले, हम लोगों ने तो देखा ही नहीं। हाँ, देखा ही नहीं। हाँ, मुझे मालूम था तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए मैंने सबूत भी रखा है। देखो ये फूल है ना, राधा मेम साहब के बालों में लगे हुए थे। ये राधा मेम साहब के
फूल है। हाँ, तुम सूंघ के देख लो, इसमें उनके बालों की खुशबू है। सुनो, बस बस ज्यादा मत सूंघना, इसकी खुशबू चली जाएगी। लाओ दे दो मुझे। ये फूल तुम्हें कहां से मिले? उनके बालों से जमीन पे गिर गए थे। और तुमने उठा लिए? हाँ उठा लिए। उन्होंने देखा? पता नहीं। अरे पता कैसे नहीं, जरूर देखा होगा। प्यारो ये तो कोई और ही मामला है। मामला? हाँ, फिल्मी रोज ऐसे ही करती है, सर झटकती है, फूलों को फेंक देती है, हीरो उसे उठाता है, सूंघता है, फिर हीरोइन से बातचीत करता है। वाह पेटूराम, तुम तो हीरो हो। हीरो? अरे राम। नहीं, पेटूराम। हाँ हाँ पेटूराम, मगर तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं यहाँ हाँ बातचीत, मुझे आपसे बातचीत करनी है। मुझसे? हाँ, ये देखिए ना, ये फुल पैंट, ये शर्ट। कैसा लगता हूँ मैं? बहुत अच्छे लग रहे हो। राधा मैम साहब कहती है मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। अब जल्दी बोलो ना, क्या बातचीत करनी है? आप बीच में मत बोलिए ना, राधा मैम साहब को बोलने दीजिए ना। अच्छा ठीक है, बोलो क्या बात है? मैं आपको मैम साहब, मैं आपको नमस्ते नमस्ते। अबे गधे, प्यार करता हूँ कहना था, नमस्ते करता हूँ कहाँ से आ गया? ये इसने उधर से यूँ हाथ जोड़े ना, तो मैं समझा कि नहीं। लेकिन आप लोगों ने देखा, राधा मैम साहब हंस के गई ना। हंसी मतलब फंसी। हाँ। नहीं समझा? अरे राधा मैम साहब ने जो मुंह से निकाला ना, वो हंस के बता दिया कि तुमसे प्यार करती है। तू प्यार की मस्ती बहार की, सरगम तू प्यार की मस्ती बहार की, सबसे हसीन है तू मेरी जान, मुझ पे तू जादू सा कर गई, सरगम तू प्यार की मस्ती बहार की, सबसे हसीन है से हसीन है तू मेरी जान।
मस्ती बहार की सबसे हसीन है तू मेरी जान, मुझ पे तू जादू सा कर गई, सरगम तू प्यार की मस्ती बहार की, सरगम तू प्यार की मस्ती बहार की। तू भी दधिया बेवक्त की खटखट लगाए रहती है, आज इतनी जल्दी? सहेली क्या से लौट रही थी कि बारिश शुरू हो गई, छप्पर के नीचे खड़ी थी कि तुम्हारी गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। हाँ, बारिश बारिश। बिजली बिजली। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? हाँ आइए आइए ना। यहाँ बैठे बैठे। नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं, बैठे अब बैठे। मैं अभी आया, अभी आता हूँ मैं। अब क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? लड़के भी नहीं बना, मैं पूछ लेता, बिल्कुल अकेली आई है। मुझे तो डर लगता है। जय बजरंगबली, बजरंगबली इज्जत रख ले मेरी। जय बजरंगबली इज्जत रख ले मेरी, इज्जत रख ले। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? हाँ मैं बड़बड़ा रहा हूँ? नहीं 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 मैं सोच रहा हूँ, मैं जरा जोर से सोचता हूँ ना इसलिए। खड़े ही रहोगे? बैठोगे नहीं? हाँ बैठूंगा ना। नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ बैठो ना। यहाँ? घर में और कोई नहीं है? नहीं नहीं है, दादी माँ है, मगर अभी नहीं है, वो कीर्तन में गई है। हाँ देर से आएगी, बहुत बहुत रात को आएगी। अरे वाह, फिर तो मैं बहुत अच्छे वक्त पर आई हूँ ना। हाँ ऐसा मौका बार बार थोड़े ही मिलता है। नहीं मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम मानोगे? पहले वो दरवाजा बंद करो ना। हाँ? बंद करो ना। वो चिटकनी भी बंद कर दो ना। अब यहां आओ। बैठो मेरे पास, बैठो ना। देखो इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आखिर तो मैं जमींदार की बहन हूं ना, तो मेरी इज्जत नहीं उछलनी चाहिए। हाँ वादा। मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या? मेरे लिए जिंदगी में पहली बार होगा। सुना बहुत है कि बड़ा मजा आता है, लेकिन कभी चखा नहीं, आज चखना चाहती हूँ। ज्वारी की रोटी और लहसुन की चटनी। Mm-hmm.
सीधा, अरे पेटू सीधा, अबे सीधा खड़ा रह। हाँ अब बोल क्या हुआ था। नंबर एक, राधा मैम साहब ने मुझे डूबने से बचाया। हाँ। नंबर दो, वो नंबर दो, हाँ नंबर दो, वो मुझे देखकर हंसी। नंबर तीन, वो अकेली आई मेरे घर में। हाँ। और फिर रोटी और चटनी खाई। हाँ। और नंबर चार, उन्होंने मुझे आंख मारी। ऐसे ऐसे जवाब में तूने भी आंख मारी के? नहीं नहीं, तू बिल्कुल गधा है, एक नंबर का। यही अकल का कोलू ये सब हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे सामने वाले मकान के लड़के ने मेरी बहन को आंख मारी। फिर? मेरी बहन ने वापस लड़के को आंख मारी। फिर? फिर बापू ने मेरी बहन की खूब पिटाई की। अच्छा। हाँ, फिर उस लड़के की भी खूब पिटाई की। उसकी भी पिटाई की? हाँ, फिर बापू ने दोनों की शादी कर दी। दोनों की शादी करा दी? हाँ। पिटाई के बाद? हाँ। तो फिर मेरी पिटाई कौन करेगा? मैं कर दूंगा रे साले। अच्छा ठीक है। हाँ, हम सब मिलकर तुम्हारी अच्छी पिटाई कर देंगे और फिर तुम राधा मेम साहब के साथ शादी कर लेना। हाँ शादी। लेकिन पेटूराम, शादी रविवार को ही करना। हाँ। क्यों? क्योंकि उस दिन हम लोगों को छुट्टी रहती है। हाँ। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं राधा मेम साहब से बोलूंगा कि शादी रविवार को ही हो। हाँ। हाँ। तुम वो बाद में बोलना, पहले जाते ही आंख मारना। अच्छा। राधा मेम साहब, नहीं, दादी माँ कहती है किसी को सोते में जगाओ तो पाप लगता है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, आज ही बताऊंगा। सबसे पहले मैं माफ करना मेम साहब, इतनी रात को मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। नहीं? हाँ हाँ, लेकिन एक बात कहूँ मेम साहब। हम्म। आप बहुत अच्छा सोती हैं, एकदम चुपचाप, खर्राटे भी नहीं मारती, सच। अब आप ज्यादा बोल बोल मत कीजिए वरना मैं सब भूल जाऊंगा। हाँ, सबसे पहले यूं। नहीं नहीं नहीं, पहले आप यहाँ आइए। क्या? उतरिए ना। क्या है ये? लीजिए। ये क्या है? गणेश जी का प्रसाद है, कोई भी अच्छा काम करने से पहले उनको जरूर याद करना चाहिए, लीजिए ना। अब आप मेरी तरफ देखिए, यहाँ यहाँ। ये क्या बेवकूफी है? क्यों? उस दिन आपने आंख मारी थी ना, हैं? उसके जवाब में मैं आंख मारना भूल गया था, इसलिए तभी आया हूं मैं। और दूसरी बात ये मेम साहब, मैं और आप और मैं और तुम, क्या हम दोनों शादी कर रहे हैं? पागल हो गए हो क्या? ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? वो मेरे सभी दोस्त कहते हैं, राम खिलावन, गोपी, ललवा, कलवा, सभी कहते हैं कि मेम साहब तुझे पसंद करती है, इसलिए उन्होंने आंख मारी थी, और फिर रविवार को उनकी छुट्टी होती है ना, इसलिए शादी रविवार को ही करें। देखो राम, पेटू राम, देखो ये लोग सब तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, तुम सीधे साधे हो ना, इसलिए शादी कोई बच्चों का खेल थोड़े ही होता है। तो मैं थोड़ी कोई बच्चा हूँ, वो लल्लू नाई है ना, हफ्ते में दो बार मेरी हजामत करता है। देखो समझने की कोशिश करो,
अगर तुम कोई आम तोड़ना चाहो तो पेड़ पे चढ़ के तोड़ सकते हो, है ना? हाँ हाँ। लेकिन अगर तुम चांद को तोड़ना चाहोगे तो मेम साहब, अब आप बच्चों जैसी बात कर रही हैं। चांद को कैसे कोई तोड़ सकता है, वो तो बहुत ऊपर होता है। बस तो यही समझ लो कि मैं भी बहुत ऊपर हूँ, तुम्हारा हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता। कैसी बातें कर रही है मेम साहब, आप इतनी ऊपर कहाँ है, मैं तो पाइप चढ़ के आपके पास आ गया है ना। देखिए मैं तो आपको छू भी सकता हूँ। बंद करो अपनी ये बकवास, मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं बल्कि किसी बड़े रईस घर में किसी अच्छे लड़के के साथ होगी। मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ मैम साहब। मेरा ये मतलब नहीं है राम। देखिए देखिए मैम साहब, आपने मुझे डूबने से बचाया, बचाया ना? हाँ। फिर आप मेरे घर आए इतनी रात को, और वो भी अकेली, और मेरे हाथों से आपने रोटी और चटनी खाई, हाँ? और फिर आपने मुझे आंख मारी, किस लिए बताइए? आप मुझे पसंद करती हैं इसलिए ना? मैं भी आपको पसंद करता हूँ मैम साहब, बहुत पसंद करता हूँ कसम से। मैं शादी करूंगा तो आप ही के साथ करूंगा, वरना नहीं करूंगा। चुप करो। मैम साहब मुझे ना मत कहिए, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, आपका सब काम करूंगा मैं। छोड़ो मुझे, अब तुम मेरी मानते हो या नहीं? मानूंगा मैम साहब, मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप बोलेंगी पेटूराम इस दीवार से टकरा कर अपना सर फोड़ दो तो मैं फोड़ दूंगा, आप बोलेंगी पेटूराम अपना हाथ काट दो तो मैं काट के फेंक दूंगा, आप बोलेंगी इस खिड़की से कूद जाओ तो मैं कूद भी जाऊंगा। तो कूदो, कूद के दिखाओ। सत्ता ना जाए तुम्हारा रे बच्चों, क्यों मेरे सीधे साधे बच्चे को उल्टी सीधी पट्टियां बढ़ाया करते हो बेवकूफ? क्यों गया था वहां, किसने कहा था इतने ऊपर से कूदने को? राधा मैम साहब ने, अगर मैं ना कूदता तो वो मुझसे शादी नहीं करती ना। जरा देखो इसकी अकल को, अरे तू उनके दरवाजे पर झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं है, वो क्या शादी करेगी तेरे साथ? क्यों नहीं करेंगी, जरूर करेंगी वो मेरे साथ शादी। मैं उनको पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद करती है। पूछो मेरे दोस्तों को पूछो, अरे तुम दादी माँ को बता दो, सब बता दो, वो हीरो वो हीरोइन वाली बात बता दो, वो वाली बात भी बता दो, वो वाली बात बताओ। नहीं पेटू राम, राधा मैम साहब तेरे से शादी नहीं करेंगी। साले मोटू, एक लात मारूंगा फुटबॉल की तरह उड़ जाएगा। तुम सब लोग दादी माँ से डरते हो, हाँ लेकिन मैं नहीं डरता, मैं भगवान के सिवा किसी से नहीं डरता। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ तुम। राधा मैम साहब से शादी की बात मैं खुद ही करूंगा, तुम लोग देखना वो मेरे साथ ही शादी करेंगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। ये क्या शोर लगा रखा है तुम लोगों ने, ये अस्पताल है, चलो चलो बाहर चलो तुम लोग। हाँ नर्स, निकालो सबको, सबको निकालो, सब लुच्चे हैं, सब बदमाश हैं, सब झूठे हैं। आप भी जाइए ना, आप चलो शाम को आ जाइए आप। बेटे राम, अरे मैम साहब आप आइए आइए। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इस टांग में थोड़ी सी चोट लगी, लेकिन ये टांग बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा है खतरे की कोई बात नहीं है। मैम साहब आप रोइए मत, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। राम एक कीड़े के कटने से भी लोग मर जाते हैं, और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी तुम्हारे सिर्फ एक ही पांव में चोट आई, जानते हो क्यों? क्योंकि वो जो ऊपर बैठा है ना भगवान, वो जानता है कि तुम एक सच्चे इंसान हो, तुम्हारा दिल एकदम साफ है। फिर अगले रविवार को शादी कर ले। पहले तुम
बिल्कुल ठीक हो जा राम, ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे। हाँ? हाँ। अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और जल्दी जल्दी ठीक हो जाना। अच्छा अच्छा। तबीयत कैसी है उसकी, पेटू राम की? उसका नाम राम है। अच्छा, चलो श्री राम सही, जिंदा है या? तेज भैया, ऊंची आवाज से नहीं बोलोगी तो भी सुनने वाले सुन ही लेंगे, और सुनना क्या है, सब सुन चुके हैं। सारे गांव में चर्चा है कि ठाकुर हनुमंत सिंह की इकलौती बेटी जो के इस आधे गांव की मालकिन है, आधी रात को भिक मंगे पेटू राम को अपने कमरे में बुलाती है। मैंने नहीं बुलाया था, वो अपने आप आया था। ये बात किस किस को समझाएंगे हम? हाँ, ढोल पिटवा कर सड़कों पर या चौराहों पर ऐलान करवाएंगे। और एक बात और सुनती जाओ, अगर आइंदा तुम उससे मिलने के लिए गई या वो यहाँ आया तो बहुत मुमकिन है मैं उसे गोली से उड़ा दूं। पेटू राम, अरे पेटू राम, तुम्हें कुछ मालूम है क्या? वो जमींदार राधा मेम साहब की शादी कहीं और करवा रहे हैं। क्या? हाँ। नहीं नहीं, मेरे होते हुए नहीं हो सकता। ये दो नाली मैंने होशंगाबाद से मंगवाई है। ठाकुर साहब, ये जरा उस तरफ। अरे चौधरी साहब, इस पे गोली वोली कुछ नहीं है। अजी उससे क्या होता है, ठाकुर तेज सिंह का तेज ही कुछ ऐसा है कि अगर उन्होंने खाली बंदूक का घोड़ा भी दबा दिया तो अगला कहता तो क्या काम से, समझो कि बस राम ही नाम सकते हैं। क्या बात, छोड़ो ना, कमीज पड़ जाएगी। कहा ना, ठाकुर साहब अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अरे मैं ठाकुर साहब से नहीं, राधा मैम साहब से मिलने आया हूँ। राधा मैम साहब, राधा मैम साहब। ध्यान सिंह जी मलिक, इसे आने दो। देखो ठाकुर साहब मुझे बुला रहे हैं, यूं यूं किया। जाओ 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 ना। अरे कमीज तो छोड़ो ना। हाँ। आइए आइए दूल्हा राजा, आइए आइए। दूल्हा राजा, कहाँ है दूल्हा राजा? अरे मेरे सामने आप। हाँ? आप श्रीमान जी, इस घर के दामाद, मेरे होने वाले बहनोई। फिर ठीक है, वो साला राम खिलावन तो कहता था कि आप राधा मेम साहब की शादी किसी और से कर रहे हैं, गधा कहीं का। सवाल ही पैदा नहीं होता। चाचा जी ने मरते वक्त मुझे राधा के लिए बिल्कुल आप जैसा दामाद ढूंढने को कहा था। ठाकुर साहब, इनका परिचय कुछ हम लोगों से भी तो करवाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। ये है हमारे स्वर्गीय ठाकुर हनुमंत राय की इकलौती बेटी और इतनी बड़ी जायदाद की इकलौती वारिस राधा, राधा के होने वाले पति देव श्री राम। पेटू राम, पेटू राम, वाह वाह वाह, क्या सुंदर नाम है। ये लोग? हाँ, आपको मिलवाता हूँ इनसे। ये है राय बहादुर श्री जमुना प्रसाद जी, जरिया में इनकी बहुत बड़ी कोयले की कान है। और ये है श्री कैलाश नाथ जी, करोड़पति हैं, करोड़पति। गांव में इनकी 5000 भैंसे और 500 गाय हैं। ओ बाप रे, इतनी गायें और भैंसे हमारे गांव में आ जाएं तो उनको खाने के लिए सारे गांव की घास कम पड़ जाएगी। नहीं। और ये है चौधरी हरभजन सिंह जी, जिनकी जायदाद और दौलत का कोई ठिकाना ही नहीं है। पूरब में 100 एकड़ चावल के खेत और पश्चिम में दूर तक फैले हुए नारियल के पेड़। और उत्तर में? उत्तर में सिर्फ एक छोटा सा आम का बगीचा है इनका, 2000 पेड़ों का। 2000? अगर इनका बाग हमारे गांव में होता ना तो मैं रोज रात को खाना खाने के बाद चोरी से इनके बाग में घुसता और खूब आम खाता नमक लगा के। और इनसे मिलिए, ये है दीवान साहब श्री लालचंद जी, इनका हीरों का कारोबार है, हर बड़े शहर में इनकी दुकानें हैं। ठाकुर साहब, दुल्हा राजा क्या खड़े ही रहेंगे? ओ भूल हो गई भूल हो गई, आइए बराजिए ना। बराजिए बराजिए बराजिए। आप लोग भी बैठिए। हाँ हाँ। मेरे दोस्त लोग हैं ना, वो भी ऐसा ही करते हैं, जब भी कोई बैठने जाता है डुब से गिरा देते। आज से मेरी और आपकी दोस्ती पक्की, हाथ मिलाइए।
ये क्या किया आपने? कमीने, हवेली में कदम रखता है, राधा का नाम जबान पर लाता है। उसके पछे कुत्ते जाहिल साले, ढंग के कपड़े नहीं पहनने को, कल के खाने का ठिकाना नहीं और शादी करने चला है। वो भी ठाकुर तेज सिंह की बहन, बदतमीज। अरे मजनू की औलाद। सबसे सब मिलकर गरीब बेचारे को पीट रहे हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? देखिए ना मेरे साहब, ये लोग मुझे वैसे ही मार रहे। मेरे दोस्त ने बताया कि आपकी शादी ये लोग किसी और से कर रहे, तो मैं भागा चला आया ये कहने के लिए कि आपकी शादी मेरे साथ होगी। इसमें मेरा क्या कसूर है? फिर भी मानने लगे मुझे ये लोग, आप समझाइए ना। हाँ समझाता हूँ, लेकिन बातों से नहीं। लाठ नहीं खींच भैया, तुम हट जाओ यहाँ से। नहीं जनाब, अरे हाथ छोड़िए, बहुत नालू से टूट गया तू। अब आदमी आइए शायद, छोड़ दीजिए बेचारे को, वो बेचारा गरीब है, देता है प्लीज। मत मारो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। अरे बस करो ना, अरे बस करो ना, दुखता है। नाली के कीड़े, तुम्हारी ये औकात? राधा से शादी करना चाहते हो हाँ? अरे बड़े बड़े लोग जिनके पास लाखों की दौलत है वो इसका हाथ मांग रहे हैं। अरे रुपयों की बात कौन कर रहा है? बड़ा लाख लाख करते है, कितना होता है लाख रुपया? इतना इतना इतना? अरे बेवकूफ, तुम जिंदगी में सोच भी नहीं सकते कि लाख रुपया कितना होता है, समझे? हाँ हाँ समझे। लाख कितना होता है? चारों से भी ज्यादा मारा तुमने मुझे। मैं लेके आता हूँ लाख रुपया, फिर क्या करोगे हाँ बोलो। अरे तुम लाख रुपया लेके आओगे हाँ? हाँ, मैं लेके आऊंगा, एक नहीं दस लाख रुपए लेके आऊंगा। फिर करोगे राधा मेहम साहब की शादी मेरे साथ? बोलो। तुम्हारी शादी हम राधा मेहम साहब से कर देंगे, पहले से 10 लाख रुपया लेकर आओ। ठीक है। धरती माँ की कसम है मुझे, मैं एक दिन इसी घर में एक बहुत बड़ा आदमी बनकर आऊंगा, 10 लाख रुपए लेके आऊंगा और राधा मेहम साहब से शादी करूंगा, देख लेना तुम। और तुम लोग सब बड़े लोग हो ना, पैसे वाले लोग हो ना, तुम लोग भी गवार है ना। अरे दिल्ली के बैंस वाले, तूने मेरे पेट पे लात मारी थी ना, तू भी याद रखना, भूल मत जाना। राधा मेहम साहब मैं जा रहा हूँ, मैं ये गांव छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा, 10 लाख रुपए लेके आऊंगा और आप ही के साथ शादी करूंगा मैं। बस जा रहा हूँ मैं। आ जाओ जाओ जाओ। तूने राधा मेम साहब का हाथ खींचा था ना हाँ, उनको धक्का मारा था ना, देख लूंगा तुझे मैं, देख लूंगा। हाँ ठीक है देख लेना, अब दबाओ जाए। बहुत बार मुझे ध्यान से हाथ मत लगाओ हमारे दुल्हा राजा को। Ah.
ये क्या पागलपन सवार है तेरे सर पे बेटा? कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कौन ख्याल रखेगा तेरा? मत जा मेरे राजा बेटा, तू चला जाएगा तो मेरी चिता को आग कौन लगाएगा? अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ दादी माँ, बस 10 लाख रुपए ही तो कमाने हैं। अरे जानता है 10 लाख कितने होते हैं? नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, मैं 10 लाख रुपए जरूर कमाऊंगा और फिर उस साले ठाकुर के मुंह पे फेंकूंगा और कहूंगा उठा ले पैसे और अब कर दे मेरी शादी राधा मैम साहब से। मैम साहब आप ही इस बेवकूफ को समझाइए, मेरे तो कुछ सुनता ही नहीं। नहीं नहीं मैम साहब, आज मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगा, मुझे रुकने के लिए मत बोलना। नहीं बोलूंगी राम, नहीं बोलूंगी, जाओ और साबित कर दो कि तुम भी कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, आपके इसकी जान लेकर ही रहेगी मैम साहब। ये देखिए देखिए ये देखिए, अधमरा तो कर दिया आपके भाई ने इसे, हम और क्या चाहती है आप? दादी माँ बहुत दुखता है राम। नहीं अब तो बिल्कुल नहीं दुखता, आपने छू दिया ना बस सारा दर्द चला जाए। पहले मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी थी, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। हाँ राम, भगवान करे इन चोटों की एक एक निशान तुम्हारी तरक्की की एक एक सीढ़ी बने। तुम इतनी ऊंचे उठो, इतनी ऊंचे उठो कि आसमान की ऊंचाइयां भी तुम पर नाश करें। जाओ राम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वादा वादा। इतनी ऊंचे उठो, इतनी ऊंचे उठो कि आसमान की ऊंचाइयां भी तुम पर नाश करें। जाओ राम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। भाई इस बार भी नहीं। पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, और इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े कर दिए। अरे गोपी, अरे पेटूराम, पेटूराम गोपी तू यहाँ कैसे, कब आया? बहुत दिन हो गए। वाह गोपी क्या कपड़े पहने हैं तूने, तू तो एकदम साफ लगता है। अब मैं गोपी नहीं हूँ, मास्टर चंदन हूँ, फिल्म आर्टिस्ट, रोज डायलॉग बोलता हूँ ना, इसलिए 50 रुपए मिल जाते हैं। 50 रुपए एक दिन के? हाँ। यार गोपी मुझे फिल्म में काम मिल सकता है? जानस मारते हैं, अपने काम पर खुश है असिस्टेंट डायरेक्टर, कल तुम ऐसा चलना स्टूडियो में, चल।
काम शुरू होने से पहले ही आपके दर्शन हो गए। आशीर्वाद दीजिए गणेश जी। सुखी रहो बच्चा। एक बीड़ी है। बीड़ी? गणेश जी बीड़ी? जूनियर आर्टिस्ट है। चल अरे चलना यार। बीड़ी? नमस्ते। आग लगा दूंगा सारी की सारी फिल्म को। सारी फिल्म फिर से शूट करूंगा। क्या समझ रखा है मुझे? सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर? कौन सर? यही श्याम कुमार। आज फिर नहीं आए वो? नहीं आया। बहुत गलत बात है सर। किसी और को लेकर बनाते फिल्म पूरी हो जाती, रिलीज हो जाती, जुबली भी हो जाती। हो गई होती, लेकिन श्याम कुमार का मार्केट है ना आजकल। आप ही ने तो बनाया है सर। अगर आप चाहें तो लकड़ी के खंभे से भी एक्टिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तुम बहुत समझदार आदमी मालूम होते हो। मैं? हाँ हाँ बहुत सर। श्याम कुमार से अच्छा नाच सकता है। हाँ आजा 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 किशोर कुमार की तरह गा सकता है। मेरी जा मुझ पे तू जा। बस बस दारा सिंह की तरह फाइटिंग कर सकता है। माफ करना साहब, माफ करना। कैसा लगा? शंभु आने दो इसे। चल 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 चल। नमस्ते साहब। नमस्ते सर। मुझे काम मिलेगा साहब? तुम समझते हो दूसरों की नकल करके तुम एक्टर बन जाओगे? आपके होते हुए क्यों किसी की नकल करेगा सर? आप सिखाएंगे, ये सीखेगा। ये मुझे सिखाएंगे? अरे इनसे पूछो, इनको मुंह से तबला बजाना आता है? मुंह से शहनाई बजानी आती है? बरखुदार, ये नकल, ये मस्करी, इसे एक्टिंग नहीं कहते। फिल्म में जान डालनी पड़ती है। कलेजा काट कर जो आवाज निकलती है वही जनता तक पहुंचती है। जा भाग जाओ यहां से। नहीं साहब, साहब मैं आपके पांव पड़ता हूं साहब। ऐसा मत कीजिए, मुझे कोई भी काम दीजिए साहब। मैं अपने गांव नहीं जा सकूंगा वापस। किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। मुझे कुछ भी करके 10 लाख रुपए कमाने हैं। 10 लाख रुपए? और तुम कमाओगे? तुम 10 लाख? तुम कमाओगे? तुम? हाँ मैं कमा के लाऊंगा 10 लाख रुपए। कितना होता है 10 लाख? कितना होता है? इतना इतना इतना? धरती माँ की सौगंध है, मैं एक दिन एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और 10 लाख रुपए लाऊंगा और आपके मुंह पे फेंकूंगा। राधा मैम साहब, मैं 10 लाख रुपए लाऊंगा और इनके मुंह पर फेंकूंगा, लेकिन आपके सिवा किसी के साथ शादी नहीं करूंगा। और आप लोग सब बड़े लोग हैं ना, पैसे वाले, तुम लोग भी कमा रहे ना, भूलो जाना। मैं 10 लाख रुपए लेकर आऊंगा, मैं जा रहा हूं। हाँ, और 10 लाख रुपए लेकर ही आऊंगा, लेकर ही आऊंगा, लेकर ही आऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा? पेटू। राम। राम सर? नहीं, आज से तुम्हारा नाम राम कुमार। राम कुमार। लाइट्स। साउंड कट। कैमरा कट। थंबनेल टेक वन। एक्शन। मेरे
नमस्ते गुरु। नमस्ते गया भाड़ में। कैसी आदमी हो तुम? ये क्या ढंग है तुम्हारा? मैं तुम्हें समझ लूंगा। एक मिनट, एक मिनट। ये क्या ढंग है तुम्हारा? जो कोई भी मुझसे मिलने आता है तुम उसे बाहर खड़ा कर देती हो कुत्ते की तरह। इतना तो सोचना चाहिए, इतने बड़े आदमी हमारे घर पधारे हैं। जाओ जल्दी से चाय बना के लाओ इनके लिए। आइए गुरु। नहीं नहीं। अरे गुरु क्यों अपनी ही जान के दुश्मन बनते हैं? कुछ ही महीनों पहले आपकी टांगों का ऑपरेशन हुआ था। अब देखिए यूं खड़े खड़े टांगों पर कितना बोझ पड़ता है। देखिए आप, देखिए मेरा तो कुछ नहीं। हाँ हाँ आपको दोबारा ऑपरेशन न करवाना पड़े। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिन टांगों को आराम मिलना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ। इसे अपना ही घर समझिए। आपके ख्याल से आपकी इस जबरदस्त कामयाबी का राज क्या है मिस्टर राम कुमार? किस्मत? जी नहीं, प्यार। मुझ में कभी ना बड़ा आदमी बनने की चाहत थी न काबिलियत। मैं जो भी बना हूं किसी के प्यार में बना हूं। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। क्या हम वो खुशनसीब लड़की का नाम पूछ सकते हैं? नाम क्यों, आप थोड़ा सा सफर कीजिए, बहुत जल्द मैं खुद ही उस लड़की को आपके सामने पेश करूंगा। क्या बात है राम भैया, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, अपने गांव में पहला स्कूल खुल रहा है और फिर उसका उद्घाटन मेरे हाथों हो रहा है, खुशी की बात तो है ही। अच्छा तो सिर्फ स्कूल के उद्घाटन की खुशी है और कोई बात नहीं? और क्या हो सकती है? स्कूल उद्घाटन। राधा। लेकिन आप यहाँ? तुम इतने दिनों बाद लौटे हो ना राम, मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ही तुम्हारा स्वागत करूं। मचल मचल जाता है दिल।
उद्घाटन स्कूल। सरकार सरकार, स्कूल फंक्शन के बाद आप हवेली पर चल के आराम करेंगे सरकार। हाँ, और आपका भोजन भी वही होगा सरकार। जी हाँ, यहाँ जो भी बड़े आदमी पधारते हैं उनका स्वागत यहाँ के जमींदारी करते हैं। तेज सिंह जी, वेलकम वेलकम राम कुमार जी, वेलकम। इस छोटे से घर में इतने बड़े कलाकार का स्वागत करते हुए मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ। यकीन मानिए, आज का दिन तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूल सकता। पधारिए पधारिए, आइए। आपके तो नौकर चाकर भी इससे ज्यादा खूबसूरत मकानों में रहते होंगे। लेकिन इस पिछड़े इलाके के छोटे से गाँव में बस यही सबसे ज्यादा खूबसूरत मकान है। आइए मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूं। ये है चौधरी हरभजन सिंह जी, बहुत बड़े जमींदार हैं। पूर्व में इनके 100 एकड़ चावलों के खेत हैं, पश्चिम में इनके 200 नारियल के पेड़ हैं और उत्तर में इनके आम का बागीचा है जिसमें सिर्फ 2000 पेड़ हैं। आइए इनसे मिलिए। ये है राय साहब केराशनाथ जी, दिल्ली में इनके डेयरी फार्म में 5000 भैंसे हैं और 500 गाय। जी बोब। आइए इनसे मिलिए। ये है श्री जमुना प्रसाद जी, धनबाद में इनकी कोयले की कान है। और ये है दीवान लालचंद जी, जो के हीरों के व्यापारी हैं। आप क्या इन सबको जानते हैं? ठाकुर साहब, अपने मेहमान का यूं ही खड़े रहेंगे? क्षमा कीजिए, पधारिए पधारिए, आइए आइए बैठिए। थैंक यू। पहचाना मुझे? अब भी नहीं। देखो, गौर से देखो। पहचाना अब? राम, पेटूराम। यहां से कोई नहीं हिलेगा। हिलो मत। घबराओ नहीं तेज सिंह, मैं तुम्हारी चमड़ी नहीं उधेड़ूंगा। क्योंकि आज तुम्हें कमजोर पाकर अगर मैं भी तुम पे हाथ उठा दूं तो तुम में और मुझ में फर्क ही क्या रहेगा। उठो उठो गोपी। ये रहे तुम्हारे वो 10 लाख। लाने को तो मैं बहुत ला सकता था, लेकिन बात इतने की ही तय हुई थी। ये लो, ये लो, और ये भी लो, पूरे 10 लाख। अब बुलाओ राधा को। मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती? मैं खुद ही बुलाता हूं। राधा, 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 राधा।
कहा है राधा? बोलते क्यों नहीं? कहा है राधा? अब तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। मतलब वो शादी करके अपने पति के घर चली गई है। झूठ बोलते हो तुम, भगते हो। राधा मेरे सिवा किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? बताओ राधा कहाँ है? बताओ बताओ, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। बोलो बोलो राधा कहाँ है? सच है सर, राधा सर कुछ शादी करके चली गई। नहीं, ये नामुमकिन है। राधा ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं जानता हूं, तुम और तुम सब लोग मेरे गवाह थे। उस दिन भी मैंने कहा था, अपनी जबान से पलट मत जाना तुम लोग। लेकिन तुम लोगों की जबान क्या और ईमान क्या, तुम सब इस तेज सिंह की चापलूसी करने वाले घटिया लोगों। ध्यान सिंह जी। ध्यान सिंह भैया। हाँ। तुम्हें बताओ। हाँ। राधा कहाँ है? देखो सच सच कहना। सच सच यही है रामू भैया कि राधा मेम साहब ने किसी और से शादी कर ली। गाड़ी रोक।
राधा 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 दरवाजा खोलो मैं कहता हूं राधा दरवाजा खोलो मैं तुमसे बात किए बिना यहां से नहीं जाऊंगा राधा जाना मुझे मैं हूं मैम साहब मैं पेटूराम चलिए राम सही वही भोला भाला राम जो गांव में बच्चों की तरह खेलता फिरता था उस बेवकूफ को आपसे लगन लग गए थे और आपने मैम साहब उसे उसकी छोटी सी दुनिया से निकालकर इस बड़ी दुनिया के तूफानी समंदर में फेंक दिया कहा कि जाओ कुछ बन कर आओ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी सो मैं गया पागलों की तरह मैं दिन रात लगा रहा क्योंकि मुझे कुछ बनना था अपने लिए नहीं आपके लिए और आप आज कहां हैं राम आपने कहा था आपके दिल पर सिर्फ मेरा हक है कहां है वो दिल बोले झूठ ही झूठ था सब नहीं राम आप जिस जगह पांव रखती थी मैं अपना माथा टिकाता था आपके बालों से गिरे फूल मैंने यूं संभाल कर रखे थे जैसे कोई भगवान की मूरत संभालता है वो फूल अब भी है मेरे पास अब भी रखे हैं मैंने आपके एक इशारे पर मैंने खिड़की से कूदकर अपनी टांग तोड़ ली थी फिर भी मैं हंसता रहा मगर अब हंसी नहीं आती मैम साहब क्योंकि अब दिल टूट गया है क्या हुआ हाँ आप रो रही हैं आप आंसू बहा रही हैं मैम साहब आरा रा रा। मेरे दिल से खून बह रहा है मैम साहब खून मुझे भी कुछ बोले दोगे राम क्या बोलेंगे आप कि हालात ने आपको मजबूर कर दिया था लोगों ने आपका जीना हराम कर दिया था आपके खानदान की सब नीलाम हो रही थी अरे छोड़िए मैम साहब फिल्मों में ऐसे नाटक मैंने बहुत किए हैं ऐसी कहानियां रोज ही सुनता रहता हूं मैं ठीक है राम इसी कहानी समझ कर ही सुन लो मगर मेरी असल जिंदगी में वो हुआ है जो कहानियों में भी नहीं हुआ करता कौन हो तुम ये सब क्या है मैं अलोक हूं तुम्हारा पति अलोकनाथ क्या पति क्यों भूल गए कि कल हमारी शादी हुई थी और मैंने तुम्हें ये मंगलसूत्र पहनाया था ठाकुर साहब आपने तो कमाल कर दिया अरे भाई ये कमाल तो उस दवा का है जो मैंने राधा के दूध में मिला दी थी
उसके बाद उसे जो भी कहता गया वो मानती चली गई। कहा कि शादी का जोड़ा पहन लो, उसने वो जोड़ा पहन लिया। कहा कि फेरे डाल लो, उसने फेरे डाल लिए। अब ये सारी हवेली, सारा मकान, सारी दौलत, सारी जायदाद, सब कुछ मेरा है, मेरा। क्या जायदाद के लिए तुमने मेरी शादी किसी और के साथ कर दी? अरे कमीने, जायदाद तो मैं तुम्हें यूं ही दे देती, लेकिन उसके लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा तुमने क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? अब किससे लड़ रही हो? ठाकुर साहब, आपकी बहन का कोई पेश तो ढीला नहीं है? अलोक बाबू, सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लेकिन क्या? बात बहुत पुरानी है। हाँ, अगर आप राधा को ना बताएं तो एक सच बात बताऊं। फादर से ये है कि इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम पेटूराम था। ना जाने राधा जैसी पढ़ी लिखी लड़की उसे कैसे जाने लगी कि इसने जिद ठान ली कि मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। ये जूते साफ किए तुमने? आप क्यों इस तरह से पेश आते हैं मुझसे? क्यों जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं आप? आखिर मैंने किया क्या है? किया क्या है? जाओ जाकर देखो कौन आया। और सुनो, आंसू पोंछ कर जाना, दुनिया को तमाशा दिखाना जरूरी नहीं है। मिसेज अलोकनाथ, राइट? जी, लेकिन आप आइए सर, प्लीज। हेलो अलोक, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? वेरी वेल थैंक यू। आइए। बड़े किस्मत वाले हो अलोक, लाखों में एक बीवी पाई है। हाँ सर, लाखों में एक। मेरे मालिक मिस्टर नलिन, राधा। राधा, जिस पर गांव के सारे ग्वाले मरते थे, राइट? जी नहीं सर, वो किशन थे जिन पे गांव की गोपियां। अरे जानता हूं, मगर अगर ये राधा हैं तो गांव के ग्वाले इन पर दीवाने जरूर हुए होंगे। मुझे लगता है मिसेस नाथ कि मैंने आज ही का दिन देखने के लिए आज ही के दिन इस दुनिया में जन्म लिया था। कहने के टुडे इज माय बर्थडे, हर शाम को पार्टी है, आप जरूर आएंगी। जी आज तो मैं नहीं आ सकूंगी। कोई बात नहीं, हम पार्टी कैंसिल कर देते हैं, जिस दिन आप आएंगे हम पार्टी कर देंगे। जी नहीं सर, हम लोग जरूर आएंगे। Many happy returns of the day, sir. Cheers! Hello, Mr. Singh. Oh, hi, Mrs. Mukherjee. How are you? Hello, Mr. Singh. How are you? Fine. Mrs. Joshi. Darling, तुम फिर आज इस बुड्ढे को ले आई? फिक्र मत करो, वो अपना इंतजाम खुद कर लेगा। Oh, your sweetheart, darling. अब क्या हुआ? प्लीज मुझे इन लोगों के बीच में मत घसीटिए। जानता हूं, जानता हूं। सब औरतें खराब, सिर्फ तुम ही एक सती सावित्री। चलो। गुड इवनिंग मिसेस नाथ। गुड इवनिंग सर, जन्मदिन मुबारक हो। फूल दो। अरे मैं चार फूल लेकर क्या करूंगा जबकि सारा का सारा बगीचा मेरे सामने है। आइए। Look, how are you? Oh, hi Sunita, how are you? दोस्तों, आज की ये शाम मिसेज नाथ के नाम। अगर आज ये ना आती तो ये पार्टी कैंसिल हो जाती, राइट? जी। तो चलिए और अपने अपने पार्टनर्स को लेकर डांस फ्लोर पर आ जाइए। मिसेज नाथ, आप लोगों को एक नशीला गाना सुनाने जा रही है। सुनिए, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकालने चलिए। बेकार की बातें मत करो, तुमसे गाने को कहे गाओ। लेकिन मैं इन सबके सामने कैसे गाऊंगी? क्यों मेरी इज्जत का धुआं कर रही है तुम? देखिए मैं
जब से तुम्हें देखा है एक आग सी लगी है, जल्दी से इसे बुझा दो राधा, कहीं ऐसा ना हो मैं इसमें जलकर खाक हो जाऊं। नहीं, भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। बोलना बंद करो मेरी जान। देखिए, मैं किसी और की अमानत हूँ, किसी और की पत्नी हूँ। इस वक्त इस होटल के हर कमरे में कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ उलझा हुआ है। आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में थोड़ा बहुत लेन देन चलता ही है, इन पुरानी बातों कौन मानता है? मैं मानती हूँ। देखिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, अगर अलोक जी आ गए तो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। मुझे नहीं, मैं उसकी तरक्की कर दूंगा। मैंने ऑफिस में बहुत लोगों की तरक्की की है। डरने की कोई भी बात नहीं है, आलोक तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। राइट ना, कम ऑन। ये आप क्या कर रही हैं मिसेस नाथ? जी जी जी, कम ऑन प्लीज। आलोक की तरक्की के लिए सब जरूरी नहीं है, मैं इस तरीके का आदमी नहीं हूँ। पर गॉड से बिहेव योरसेल्फ। आलोक, ये कमीना झूठ बोलता है, मुझे इसे बचा लीजिए। पच्चात पच्चलन। आलोक को भूल जाओ और नलिन को अपना लो मेरी जान। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? यही ना, जो सुना था वो झूठ था ही, जो देखा वो भी झूठ है। हाँ यही, मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम आंख और कान के बहुत कमजोर आदमी हो, और ऐसे कमजोर आदमी के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। तुम भले अपने आप को तसल्ली देते रहना कि तुमने मुझे इस घर से निकाल दिया, लेकिन मैं ये कहने आई हूँ कि आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। बाकी जिंदगी मैं अपने पेट के बच्चे की खातिर झेलूंगी। यानी तुम्हारी तबाही की वजह भी मैं ही था? नहीं राम, ये सब किस्मत के खेल है, तुम अपना जी मत जला। लड़का है या लड़की? लड़की। दादी माँ को छोटे बच्चे बहुत पसंद है, इसे देखकर वो बहुत खुश होगी। नहीं राम, अब मैं वहां किस हैसियत से जाऊंगी? मालकिन की हैसियत से, वो घर तुम्हारा है, तुम्हारे लिए तो मैंने वो घर बनवाया है। ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इस मामले में मैं तुमसे फिर कभी बात करूंगा, इस वक्त मुझे एक बहुत ही जरूरी काम निपटाना है। तुम आप नहीं, तुम नहीं, मैं पेटूराम, वही पेटूराम जिसकी तुमने खाल उधेड़ दी थी और उसने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन आज आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने राधा की जिंदगी खराब की है, उसे तबाह और बर्बाद कर दिया है तुमने। राधा कहाँ है? वो कहाँ है मेरी बहन? वो कहाँ है ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा तेज सिंह। वो ऊपर वाला राम न जाने कब तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा, लेकिन ये नीचे वाला राम आज ही तुम्हारे साथ इंसाफ किए देता है। सिंह, ये जायदाद, ये हवेली और ये कपड़े तक तुम्हारे नहीं, राधा के हैं।
इसलिए कल सुबह मैं तुम्हें वैसी ही चड्डी और कमीज में बाहर फेंकवा दूंगा जैसे एक दिन तुमने मुझे इस घर के बाहर फेंक दिया था। आई राम। तुम यहाँ? चाहने वालों की बात ही निराली होती है। मशूक चाहे जन्नत में हो या जहन्नुम में, ढूंढने वाले उसे ढूंढ लेते हैं। अरे ये कहाँ पहुंची हो? जहाँ तुमने पहुंचा दिया। तुम्हारी वजह से अपने पति का घर छोड़कर इस हाल में आना पड़ा मुझे। तो चलो हम तुम्हें महलों में ले चलते हैं। रुक जाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैं पहले वाली राधा नहीं हूँ। हो शेरनी बन गई हो? शिकार शेरनी कहे किया जाता है मेरी जान। भेड़ बकरियां तो मैं रोज ही खरीदता बेचता रहता हूँ। कसाई जो हो तुम, जिस्म का धंधा करने वाले, तुमने न जाने कितनी मासूम लड़कियों को बर्बाद किया होगा और न जाने कितनी मासूम लड़कियों को और बर्बाद करोगे। तुम जैसे राक्षस का तो इस दुनिया से उठ जाना ही बेहतर होगा। राधा, ये राधा की जायदाद के कागजात हैं। मैं आज ही तो। क्या हुआ राधा? क्या हुआ राम? मैंने इसे मार डाला। मैंने इसको मेरी को जान से मार डाला। या? किसे? नलन को। लेकिन क्यों? क्योंकि आज उसने फिर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। राधा, मैंने अपनी इज्जत तो बचा ली राम, लेकिन मेरी बच्ची को तुम्हें बचाना होगा। बोलो राम, बोलो। शांति से बैठो, मैं अपने वकील को फोन करता हूं। नहीं राम, इतना वक्त नहीं है, पुलिस आती होगी। इस बात किस्मत ने तो पहले अपने बाप को खो दिया है, अब अपनी माँ को भी खोने जा रही है। वादा करो राम कि तुम उसकी माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी उठाओगे। वादा करो राम। तुम्हारी इच्छा मेरे लिए हुक्म है राधा। मिस्टर राम, अभी अभी बस्ती वालों ने बताया राधा एक आदमी का खून करके यहाँ आई है। तुम कुछ मत कहना राधा। राधा, इंस्पेक्टर साहब, मैंने उस शैतान को मार डाला। हाँ, बोतल फोड़कर मैंने उस कमीने के पेट में भोंक दिया। आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आई एम सॉरी मिस्टर राम, आपको जो कुछ कहना है अदालत में आके कहिएगा। चलिए। गवाहों के बयान और मौके पर पाए गए सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर नलिन का खून मिसेस राधा आलोकनाथ गुप्ता ने ही किया है। यह जुर्म उसने अपने बचाव में किया और खुद भी अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। इसलिए ताजिरात हिंद की दफा 405 के मातहत यह अदालत मुजरिम राधा को महज 5 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाती है। आई एम सॉरी मिस्टर राम। नहीं बेटी, मत रो मत रो। तेरी माँ बहुत रोली बेटी, तेरे हिस्से का भी रो चुकी है वो। अब अगर कोई रोएगा तो वो मैं रोऊंगा। ना 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 ना, ना।
देखे माताई कोड़ा है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, अब मैं थक गया हूँ। ओ डैडी थोड़ा और। नहीं, नाउ टाइम गो स्कूल। ओहो, मैं तो सिखा सिखा कर थक गई। अरे ये क्या सीखेगा, ये तो बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। ऐसा बोलना रे, टाइम गोइंग स्कूल। ओहो दादी, तुम भी गलत बोलती हो, बोलना चाहिए टाइम टू गो टू स्कूल। मुझे लगता है राम भैया आज जरूर बस छूट जाएगी। अरे हाँ, चलो 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 दादी। हाँ हाँ, चलो चलो, चलो। अरे गड़बड़ हो गई, दादी माँ को पप्पी नहीं दी तुमने। अरे हाँ बाबा, दादी माँ अपने डैडी के कहने से आई, पहले क्यों भूल गई? अरे दादी माँ बच्ची है, जाने दो ना। तो चुप रहे बदमाश, मेरे डैडी को क्यों गाली देती हो? तेरा डैडी बाद में है, पहले मेरा बेटा है। नहीं, पहले मेरे डैडी हैं, है ना डैडी? हाँ हाँ। आज तेरे दादा जिंदा होते तो मेरी ये दुर्गति क्यों होती? अरे तू क्यों रो रहा है? आज अगर मेरे दादा जिंदा होते तो उनको देखा तक नहीं, इसीलिए तो रो रहा हूँ। तू क्यों रो रही है? आपके लिए दादी माँ। मैं तो अभी जिंदा हूँ, इसीलिए तो रो रही हूँ। गुड़िया रानी, चोट तो नहीं लगी? नहीं डैडी। बेटे तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है, भाग दौड़ मत किया करो। सॉरी डैडी। नहीं सॉरी वॉरी नहीं, फिर से पप्पी दो। या। एक बात कहूं सर, आप इतने बड़े फिल्म स्टार हैं, अपनी बेटी को गाड़ी में क्यों नहीं भेजते? इसलिए कि मैं ये नहीं चाहता ये अपने आप को दूसरे बच्चों से अलग या बड़ा समझे। अच्छा देखिए भाई, आप भी जरा संभाल के जाइएगा, ज्यादा तेज मत चलाइएगा। बेफिक्र रहिए सर, तेज चलकर बहुत देख लिया, एक एक्सीडेंट इतना जबरदस्त हुआ कि अब बहुत संभाल कर चलता हूं। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे अब तो तुम गुड़िया को पहचान ही नहीं सकोगी, इतनी नहीं इतनी नहीं इतनी इतनी बड़ी हो गई है। अब तो मुझे तुमसे मिलवाना पड़ेगा कि ये तुम्हारी बेटी मीरा है। बहुत होशियार हो गई है, क्लास में हमेशा पहला नंबर लाती है। एक राज की बात बताऊं, मैं और दादी माँ हम दोनों उसी से अंग्रेजी सीख रहे हैं। जब देखो दिन रात सुबह शाम पटर 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 पटर, समझ में नहीं आता क्या जवाब दे। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ राधा, अपनी बेटी का संग पाने को, उसकी तोतली जुबान सुनने को तुम्हारा दिल कितना तड़पता होगा, पर क्या करूं, तुम्हीं ने तो मना किया है मुझे, वरना अगर तुम कहो तो मैं अभी इसी वक्त उसे तुम्हारे पास ले आता हूँ। नहीं राम, नहीं, मैं जेल की इन सलाखों के पीछे से अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहती। ठीक ही तो है, वैसे भी तो अब 6 महीने की तो बात है, उसके बाद तुम जेल से छूट जाओगे और हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ रहोगे। राम, तुमने मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए तो बहुत कुछ कर दिया, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचोगे? तुम्हारा मतलब है शादी कर लो? नहीं राधा, इस जन्म में तो नहीं। ड्राइवर अंकल, ड्राइवर अंकल, ये है क्या? नहीं बेटे ये नहीं है, मेरा लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, छोटी सी किताब है। ड्राइवर अंकल, ये है क्या? हाँ बेटे यही है। अरे ये तो
बहुत सुंदर आंटी है, कौन है ये अंकल? मेरी बीवी है। कहाँ है ये, घर पे? नहीं बेटे, पता नहीं कहाँ है, कुछ पता नहीं। तुमने इन्हें भी खो दिया? हाँ। फिर तो तुम बहुत लापरवाह हो। हाँ बेटे, बहुत। हीरा था, पत्थर समझ के खो दिया। अरे इतने बड़े होकर रोते हो, फिकर मत करो, मैं उन्हें भी ढूंढ कर ला दूंगी। डैडी, डैडी, पता है मैं 2 अक्टूबर को जेल जाऊंगी। नहीं गुड़िया रानी, ऐसी बुरी बात कभी मत बोलना। बुरी बात क्यों, स्कूल के सारी लड़कियां जा रही हैं, गांधी जयंती है ना, औरतों के जेल में हम लोग प्रोग्राम करेंगे नाचने का और गाने का। Thank you.
मैं अभिनेता हूं, नेता नहीं कि कोई भाषण दे सकूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन छोटे छोटे बच्चों ने अपने भोले भाले अंदाज में वो बात कह दी जो आज बड़े बड़े नेता अपने लंबे चौड़े भाषण में भी नहीं कह सकते। इन्होंने हमारी भूली हुई एकता और उस एकता में जो शक्ति छुपी हुई है उसकी याद दिलाई है। सभी बच्चों ने अच्छा काम किया, मैं सबको बधाई देता हूं और खास करके उस लड़की को जिसने भारत माता का रोल किया। इसलिए नहीं कि वो लड़की मीरा मेरी बेटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप बच्चे कैदियों को मिठाई बांटेंगे। I'm sorry. गुड़िया, तुम जानती हो ना? हाँ, आप दिल कैसे आई थी? क्या किया था आपने? चोरी की थी, खून किया था? मीरा, बड़ों से इस तरह बात करते हैं? माफी मांगो इनसे। मीरा, मैंने कहा माफी मांगो इनसे। नहीं नहीं, बच्चे हैं, तुम जाओ बेटी। सॉरी आंटी। नो एंग्री, नो एंग्री। ओफो, मैं तो सिखा सिखा कर थक गई। कहना चाहिए डोंट गेट एंग्री। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताओ बेटी, उस जेल वाली आंटी को तुम कैसे जानती हो? वो ड्राइवर अंकल है ना? ड्राइवर अंकल? हाँ, वो स्कूल बस वाले ड्राइवर अंकल है ना, ये जेल वाली आंटी उनकी बीवी है। तुम्हें कैसे पता? एक बार ड्राइवर अंकल का लाइसेंस खो गया था, मैंने ढूंढ कर दिया था। उसी में इस आंटी की तस्वीर थी। मैंने पूछा कि ये आंटी कौन है, तो उन्होंने बताया कि उनकी बीवी है। नमस्ते सर, ये है हमारा ड्राइवर। नहीं नहीं, ये नहीं, आपका वो दूसरा ड्राइवर है ना, आलोकनाथ। ओह, बट वो तो नौकरी छोड़ के चला गया। कहाँ? ये तो नहीं बताया, कहता था कुछ अच्छा काम मिल गया है। आपको कुछ पता? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। आइए मिस्टर राम कुमार, बैठिए। मैं राधा को लेने आया था, मिसेज आलोकनाथ गुप्ता। लेकिन वो तो सुबह चली गई। चली गई? हाँ, कह गई थी अगर आप आए तो आपको ये चिट्ठी दे दूं। राम, मीरा मुझे जेल में देख चुकी है, मैं उसका दिल टटोल कर देखूंगी। अगर उसने अपनी खूनी माँ को माँ मानने से इनकार कर दिया तो बेहतर यही है कि उसकी मरी हुई माँ मरी ही बनी रहे। मेरी जमीन जायदाद उसके बड़े होने पर उसे दे देना। अरे जेल वाली आंटी, जेल से भाग गई हो क्या? नहीं बेटे, मेरी सजा खत्म हो गई ना, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। ओह, आई सी। आइए आइए ना, आइए बैठिए।
ये लो। ये क्या है? चॉकलेट। थैंक यू। आप क्या करोगी? कहाँ जाओगी? मैं सोचती हूँ अपनी बेटी के पास चली जाऊँ। आपकी बेटी है? हाँ, तुम्हारी तरह छोटी सी प्यारी सी। हाँ, ये ठीक रहेगा। मगर कहीं वो नाराज तो नहीं हो जाएगी? आखिर तो मैं जेल जाकर आई हूँ ना। हाँ, ये बात भी ठीक है। तुम्हें जेल नहीं जाना चाहिए था आंटी। कोई अपनी खुशी से थोड़े ही जेल जाता है बेटी। अब मान लो तुम्हारी ही माँ होती और कोई बदमाश उसे तंग करता, अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी माँ उस बदमाश को मार डालती तो? चुप करो। मेरी माँ तुम्हारी जैसे नहीं थी, वो तो देवी थी। मैं तुम्हें अच्छी आंटी समझ कर बात करने लगी तो तुम मेरे माँ पे ही बुरा बोलने लगी। चले जाओ यहाँ से, फिर यहाँ कभी मत आना। मुझे माफ कर दो बेटी। चुप, मैं कहती चले जाओ। मुझे देवी चॉकलेट भी नहीं चाहिए, चले जाओ। छी 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 छी, आज्ञा भी कितना कठोर होता है। 5 साल तड़पने के बाद एक माँ अपनी बेटी से मिली और बेटी यूं मुंह फिरा के चली गई। छी छी छी, तुम यहाँ कैसे चले आए? हैं, चला है? अरे मैं तो यहीं आसपास ही रहा। पूरे 5 साल तपस्या की है, मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि मेरी बहन सिर्फ मुझे इसी जगह पे मिलेगी। लो देखो क्या हाल हो गया है मेरा। उस शराबजादे पेटूराम के बच्चे ने मुझे नंगा करके घर से बाहर निकाल दिया था। हाँ। हाँ। डैडी, डैडी। बेटी, कोई आया था? हाँ डैडी, वो जेल वाली आंटी है ना, वो आई थी। कब? थोड़ी देर पहले, चली गई। डैडी, वो बहुत खराब है। डैडी, आपको मालूम है उसने खून किया है और मेरे माँ को बुरा बोल रही थी। मुझे गुस्सा आया तो मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, फिर यहाँ कभी मत आना। चॉकलेट दी थी वो भी फेंक दी। कहाँ फेंकी? उधर। ये लो खा। डैडी देखो बेटी, अगर तुम नहीं खाओगे ना तो मुझे बहुत दुख होगा। रो मत रहे, अब तो बच्ची ने चॉकलेट खा लिया है। मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जाता। मैं अभी जाकर उसे बता दूंगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें चॉकलेट दिया है, तुम दोनों को मिला दूंगा। नहीं, तेज भैया। नहीं नहीं बहन, मैं उसे ये नहीं बताऊंगा कि तुम खूनी हो। बेचारी बच्ची है, उसके दिल को धक्का लगेगा। तुम क्या चाहते हो? अरे तुम्हारा भला चाहता हूँ, और क्या चाहता हूँ। देखो तुम बेसहारा हो, मैं भी बेसहारा हूँ, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाए। सर पर छत हो, पेट पे रोटी हो और थोड़ी बहुत पीने को मिल जाए, बस और क्या चाहिए मुझे। ठीक है, मगर तुम्हें कसम है तुम मेरी बेटी की तरफ आंख उठा कभी नहीं देखोगे। जी जी जी। तेज भैया, पैसे वापस पर्स में रख दो। अरे पहली तारीख को पैसे पर्स में कौन रखता है? दाल रोटी की सिर्फ 200 रुपया चाहिए, तू ये ले। कपड़े तैयार हैं, ये लीजिए। ठीक है, पैसे। अच्छा। ये 15 रुपए भी नहीं छोड़ोगे?
तुझे तो महंगाई के कुछ पता ही नहीं है बहन। ये देसी बोतल होती है ना, देसी बोतल, वो भी आजकल साली 12 रुपए की आती है। हाँ, ये गवर्नमेंट तो हम लोगों के बारे में कुछ सोचती ही नहीं। ये 3 रुपए रख दूं या ये भी ले जाऊं नमकीन वगैरह के लिए? अरे भाई, अपनी कुछ सेहत का भी ख्याल रखा करो, बाकी की सिलाई क्यों कर लेना। हाँ बाबा, अर्जेंट है तो अभी कर ले, अभी कर ले। मिस्टर राम, आपकी बेटी के भविष्य का इंतजाम तो हो गया, अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। क्यों, क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था वकील साहब, जिसके लिए मैंने ये सारी दौलत कमाई वो तो पता नहीं कहां है, लेकिन इस दुनिया में कितने गरीब, लाचार और बेबस लोग हैं जिन बेचारों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। क्या मेरी ये दौलत उनके काम नहीं आ सकती? वकील साहब जी, मैं चाहता हूं आज के बाद मेरी कमाई का 1-1 पैसा इन लाचारों में बांट दिया जाए। राम साहब, अगर सभी अमीर आदमी आपकी तरह सोचने लगे तो इस देश में सचमुच रामराज लौट आएगा। अच्छा, मैं चलता हूं। सुना है आजकल आप दिन रात बहुत काम करते हैं, इतना काम करने की अब क्या जरूरत है? काम, काम के सिवा अब है ही क्या वकील साहब? अब तो काम ही मेरी जिंदगी है। जब तक इस शरीर में दम है करता रहूंगा। क्या कहा तुमने? यही कि लीली नाजायज औलाद है मेरी की। इसी दिन के डर से किसी ने मेरी को एक इंदराती समाज देना चाहा था, खत्म कर देना चाहता था इसे। कौन? अब इसका बाप। तुम्हें याद नहीं? नहीं। क्या तुम्हें यह भी याद नहीं उस तूफानी बरसात में तुम्हें इसकी शादी करवाई थी? बिल्कुल नहीं। तुम शेखर को जानते हो या नहीं? नहीं। मुझे जानते हो? नहीं। तुम मुझे नहीं जानते? बिल्कुल नहीं। मेरी को भी नहीं जानते? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि लीली पाप है मेरी का, नाजायज औलाद है मेरी। और आप वाह, क्या बात है। ऐसा लगा जैसे कि वो क्या कहते हैं उसको, वो गोल गोल लाल लाल कद्दू, कद्दू पानी में लुढ़क के गिर पड़ा हो। और चुप, उसका तो है नहीं भेजे में, जानते भी हो डाइव किसे कहते हैं? अच्छा, मतलब अभी जो तुम वहां से गिर पड़ी थी फटाक से, उसको टाइम मारना कहते हैं? मैं तो समझा था कि पानी बाहर निकालने की तरकीब है। शट अप एंड गेट लॉस्ट। मीरा, मीरा मेरी गुड़िया, जूबी जूबी। ओहो डाली, कितना गुस्सा, अच्छा नहीं यार। शट अप। नो 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 शट अप, मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। इतनी खूबसूरत डाइव लगाई है तुम। बकवास बंद करो, तुम झूठे हो, मक्कार हो, पागल हो। Thank you.
ये लो तुम्हारे 1200, अपने लिए मैंने 300 रख लिए हैं। सिर्फ 300? नहीं 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 बहन, आजकल की महंगाई के जमाने में 300 से गुजारा नहीं होता। लो ये सब पैसे तुम रख लो, ले लो। लेकिन जाने का जी, मुझे ख्याल आया कि मैं खामखा तुम्हें इतना दुख दे रहा हूं, खुद भी तकलीफ उठा रहा हूं। बस मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। हुआ क्या कि आज सुबह सुबह मुझे एक सपना आया, और ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सुबह का सपना कभी झूठा नहीं होता। देखता क्या हूं कि वही अपनी पुरानी हवेली है, वही वो बड़ा वाला सोफा है ना, उसी पर बैठा हुआ हूं मैं। दो नौकर मेरे पांव दबा रहे हैं, दो नौकर मेरे हाथ दबा रहे हैं, सामने विस्की की बोतल रखी हुई है, ब्लैक लेबल। यहां 13 सालों से थरा पी पी कर भूली गया कि ब्लैक लेबल का स्वाद कैसा होता है। काम की बात करो। हाँ वो यही के गांव में सारी जायदाद, जमीन, हवेली वगैरह वगैरह सब कुछ बेकार पड़ा हुआ है, ना तुम्हारे काम आ रहा है और ना मेरे काम आ रहा है। क्यों ना वो सब कुछ तुम मेरे नाम पर कर दो। इतने बरस तुमने मेरा खून चूसा और मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरी बेटी के हक पर दांत गड़ाए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर एक को तो तुम जान से मार ही चुकी हो ना। लेकिन तुम्हारी बेटी को ये नहीं मालूम कि उसकी माँ खूनी है, उस बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम कि उसका बाप कौन है, जिसे वो डैडी कहती है वो, या जिससे उसकी माँ की शादी हुई थी वो, या फिर जिसे उसकी माँ ने जान से मार दिया था वो। तेज भैया, मुझे जितना मालूम है मैं उसे बता दूंगा, बाकी वो जो कुछ भी पूछना चाहेगी तुमसे पूछ लेगी। अच्छा मैं चलूं। रुक जाओ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने कमी नहीं हो सकते हो। वो तो मैं भी कभी नहीं सोच सकता था, लेकिन क्या करूं, वो सुबह सुबह का सपना जो था। बकवास बंद करो, तुम यही ठहरो, मैं कागजात लेकर आती हूं। साहब कोई औरत आपसे मिलने आई है। पूछना तो था काम क्या है, नाम क्या है। कुछ नहीं, बस इतना बोली कि मेरा नाम राधा है। क्या राधा, कहाँ है वो? वहां नीचे बैठी। राधा, आज इतने वर्षों के बाद अचानक तुम कहां चली गई थी? तुम क्यों चली गई थी? एक छोटा सा पर्चा छोड़ गई, ये भी नहीं सोचा मैं तुम्हारी याद में कितना तड़पूंगा, कितना रोऊंगा। एक एक छोटी सी बच्ची की जरा सी बात को तुमने इतना दिल पे ले ली कि बस ना कोई पता, ना ठिकाना, ना कोई खबर।
तुमने ये भी जाने दो, अब तुम आ गई हो सब ठीक हो जाएगा, बैठो। मैं अपनी जायदाद के कागजात वापस लेने आई हूं। क्या? मेरी हवेली, जमीन, उसके कागजात मुझे वापस चाहिए। मुझे कुछ तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, क्या उलझन है? मुझे बताओ कितने रुपए चाहिए तुम्हें, मैं देता हूँ, अभी देता हूँ। मुझे कागजात ला दो राम, प्लीज। तुम मुझे भी नहीं बताओगी तुम्हारी परेशानी क्या है, उलझन क्या है? कहा ना, मेरी अपनी परेशानियां हैं, अपनी उलझने हैं, जो तुम्हारे रुपयों से नहीं सुलझ सकती। देखो राधा, मैं कागजात लाते हो या नहीं, धन्यवाद। मैं जानता था मेरे अब कभी मेरी बेटी की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश मत करना और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे कसम ले लो बहन, इतने सालों से मैंने तुम्हारी बेटी को देखा है क्या? अगर आज वो मेरे सामने भी आ जाए तभी मैं पहचान ही सकता कौन है वो। निकल जाओ यहाँ से। अच्छा जाता हूँ। हाँ, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना। शट अप एंड गेट आउट। ज्यादा काम मत करना बाबा। अच्छा मैं जाता हूँ। राम, तो इस कमीने को देने के लिए तुम्हें जायदाद चाहिए थी। मुझे पहले से ही शक था कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है और तुम मेरे आगाह करने के बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत हुई राधा को परेशान करने की। रुक जा, मैं कहती हूँ। आज छोड़ो मेरा, आज मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मेरी कसम राम, तुम भागो यहाँ से। राधा, तुमने इस कुत्ते को जाने दिया जिसने तुम्हारे साथ इतने जुल्म की? हाँ राम, 12 साल से मैं उसे बोझ की तरह बर्दाश्त करती रही। उसने मुझे कभी चैन की सांस नहीं लेने दी, जीना तक हराम कर दिया था उसने मेरा। राधा? हाँ, इससे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे जो भी कीमत देनी पड़ती मैं देने के लिए तैयार थी। ऐसा पहाड़ सा दुख तुमने अकेले उठाया, मुझे तक बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना पराया? नहीं राम, तुमसे बढ़कर अपना तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाते और मेरी बेटी पर असलियत खुल जाती कि उसकी माँ खूनी है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो राधा? मेरा बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई, समझदार हो गई है, तुम उसे एक बार देख तो लो। देखती तो मैं इसे बराबर रहती हूँ। कब, कहाँ देखा? बचपन में जब वो स्कूल जाती थी और अब जब मीरा और गोपी साथ साथ घूमते हैं, एक दूसरे में खोए हुए। एक दूसरे में खोए हुए, मीरा और गोपी? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम मीरा और गोपी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। गोपी, मीरा, दारिमा, कहाँ है सब? फौरन आइए मेरे सामने। दो टके की छोकरे, तुम्हारी हैसियत क्या है, औकात क्या है तुम्हारी? ये इसी से पूछे क्या किया है इसने? राजकुमारी जैसी मेरी बेटी इतने लाड़ प्यार से मैंने पाला और तुम हो क्या? अपने आप को रामकुमार की बेटी के काबिल समझते हो तुम? राम भैया, क्या कमी है मुझमें? जब जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। तो मैं भी गोपी के साथ जाऊंगी डैडी, मैं गोपी से प्यार करती हूँ। और बकवास की ना तो जबान खींच लूंगा तुम्हारे। दादी मां,
इसे कमरे में बंद करके रखो। कल सुबह लड़के वाले आ रहे हैं इसे देखने के लिए। इतनी जल्दबाजी क्यों? जरा सोच समझ कर काम लो। चुप हो जाओ। इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूं। दादी मां, देखो तो कौन आया है। जो भी आया हो मुझे क्या, जा तू ही कर ले अपने मन की। अरे राधा बेटी, तुम कैसी हो, कैसी हो? अच्छी हो ना? हाँ हाँ, बैठो 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 ना। यस जी, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन कोई साथ नहीं आए? जी, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए और भाई बहन तो है नहीं। तो फिर बात कौन करेगा, तुम खुद? जी नहीं, मेरे पालक पिता, मेरे माँ बाप, भाई बहन जो कुछ भी हैं वही हैं। कहाँ है वो? जी, वो आप हैं। ये होता है सही तरीका लड़की का हाथ मांगने का। हमारी भारतीय परंपरा यही है। ये नहीं कि डाला हाथ में हाथ और निकल पड़े घूमने के लिए। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पाजी, बदमाश, ये सब नाटक था तो फिर कल क्यों नहीं मान गए? अरे दानी माँ, इस मौके पर राधा को भी तो बुलाना था। हाँ ए गोपी, हाँ जानता है ये कौन है? जी हाँ, राधा मैम साहब, अपने गाँव की ठकुराइन। फिर पांव छू के आशीर्वाद लो। अरे जुग जुग जिए बेटे, खूब तरक्की करो। और मैं? आप भी। लॉन्ग लिव माय चाइल्ड। अरे वाह ददिया, भजी और समोसे बेचने वाली कैसे गिटर पिटर बोल रही है। राधा ये सब मीरा से ही सिखाया इसने। तो क्या, मैं तेरे जैसी पेटूराम हूँ। आई एम मीराज ग्रेट ग्रैंड मदर। I will call her. मीरा, मीरा बेटी, दरवाजा खोल। अरे तेरा दूल्हा दूसरा कोई नहीं, गोपी है। ये सारा तमाशा तेरे पाजी बाप ने किया हुआ है। दरवाजा खोल मीरा। अरे दरवाजा खोल। क्या हुआ? अरे मीरा दरवाजा नहीं खोल रही है। मीरा गुड़िया, दरवाजा खोलो। भैया क्या हुआ? समझ में नहीं आता। मीरा मीरा कहाँ गई? राम कहाँ गई होगी? राम भैया मैं गाड़ी लेकर जाता हूँ, एक दो जगह है जहाँ वो हो सकती है। क्यों किया था तूने ऐसा मजाक? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर तुझे माफ नहीं करूंगी। गोपी, मैं तुम्हारा इंतजार तुलसी लेकर कर रही हूँ। मैंने लाखों के किसी का इंतजार कर रही है। कली है, अभी अभी खिलकर फूल बनी है और अभी तक किसी ने छुआ नहीं। अरे तो हम छू लेते हैं, बताओ तो सही कहा है? वो सामने खड़ी है ठाकुर। अरे वाह वाह, जियो मेरी चमिया। अरे खूब पहचाना मेरे यारो। आओ। खूबसूरती के पुजारी, हुस्न के मतवाले ऐसे ही रुक जाया करते हैं क्या? है? अरे, चारी का जवाब पत्थर से देती हो?
बचाओ, गाड़ी आ रही है। अब क्या करोगी? भगवान के लिए मुझ पर रहम करिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। पाँव क्यों पड़ती हो मेरी जान? मेरे सीने से लग जाओ ना। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। आप बेटी जैसी हो लेकिन हो नहीं है। तूने आग गड़ाई भी तो किस पर? अपनी बहन की बेटी पर? ये मीरा है मीरा। मैं इतना कमीना इंसान हूं? नहीं, मैं इंसान नहीं, मैं हैवान हूं। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, मुझे जाल से मार डालो, मुझे माफ मत करना, मुझे जाल से मार डालो राम, मुझे जाल से मार डालो, मुझे जाल से मार डालो। डैडी ठीक है बेटी, ठीक है। तुम घर से क्यों भागे थे? तुम्हारी सगाई चंदन के साथ ही तो हो रही थी। डैडी? हाँ, ये लो इसे पहन लो। चलो
विले पैलेस की में कहा? राधा कुंज। राधा कुंज? अरे राम कुमार जी, आप टैक्सी में? मेरे डैडी जल्दी में हैं, आप प्लीज जरा तेज चलाइए। तुम मीरा हो ना? हाँ, प्लीज जरा तेज चलाइए। तुम्हें याद है बेटी, जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हारे स्कूल बस का ड्राइवर था। ड्राइवर? एक बार मेरा लाइसेंस खो गया था तो तुम्ही ने मुझे ढूंढ कर दिया था। नहीं यार, बहुत छोटी थी ना। प्लीज जरा जल्दी चलाइए ना। ठीक हूं मैं, ठीक हूं। आप जरा रुकिएगा, मुझे काम पड़ेगा आपसे। मीरा? फिगर की कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम जाओ कपड़े बदल कर आ जाओ जल्दी से। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं राम कुमार बोल रहा हूं। इनके पांव छूकर आशीर्वाद लो। अपने डैडी के होते हुए तुम्हें और किसी के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है बेटी। उनके जैसा देव पुरुष तुम्हें इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक करो बेटी, भगवान करे तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। जानती हूं मेरा, ऐसा आशीर्वाद एक मां के सिवा और कोई नहीं दे सकता। राम, आज मुझे मत रोको राधा, वक्त आ गया है कि मैं सच बात बता ही दूं। नहीं राम, तुमने मुझसे वादा किया था। मुझे वो वादा तोड़ना पड़ेगा राधा। नहीं राम। मीरा, मैं आज तक तुमसे झूठ बोलता रहा हूं कि तुम्हारी मां मर चुकी है। सच ये है। नहीं राम। सच ये है कि ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है ये तुम्हारी मां है। मां। डैडी। हाँ बेटे। मां, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, कभी तुम्हारा दिल नहीं हुआ उससे मिलने का? अब बोलो, अब बोलो राम, क्या जवाब दूं मैं इस बात का? तुम्हारी मां को डर था बेटी कि तुम इनसे नफरत करने लगोगी, क्योंकि इन्होंने एक आदमी को जान से मार डाला था। जानती हो इन्होंने उस आदमी को क्यों मारा था? क्योंकि वो आदमी तुम्हारी मां की पवित्रता, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? वो आदमी तुम्हारी मां की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। अब बोलो, तुम अपनी मां से नफरत करती हो? बोलो बेटी। नहीं
तुमने बड़ी हिम्मत की, तुमने कोई गुनाह नहीं किया माँ, कोई गुनाह नहीं किया। राधा, याद है एक दिन तुमने अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, क्योंकि उस दिन तुम्हें कहीं जाना था। आज मैं मीरा को फिर तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, क्योंकि आज मुझे उसी जगह जाना है। क्या, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मीरा, क्या हुआ? एक बदमाश मेरी इज्जत लूटना चाहता था। डैडी वक्त पर आ गए और इनके हाथों उस आदमी का खून हो गया। जानती हो राधा, वो आदमी कौन था? तुम्हारा अपना ही भाई था, तेज सिंह। हाँ, लेकिन अपने किए पर मुझे कोई पछतावा नहीं, क्योंकि अब वो तुम्हारे संसार में आग लगाने कभी नहीं आएगा। अरे हाँ, वो टैक्सी वाला काफी देर से नीचे खड़ा है, उसका भी तो हिसाब किताब ठीक करना है। मैं भी आता हूं। माफ करना, तुम्हें इंतजार करवाया मैंने। कोई बात नहीं सर, मीटर तो चल ही रहा है। मीटर चलने देना है या हिसाब साफ करके निकल जाना है? मैं समझा नहीं। आलोक बाबू, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी दोनों इस वक्त मेरे घर में हैं, और जिससे तुम्हें शिकायत है, पेटूराम, वो तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम उसे जो कुछ भी कहना चाहो, जो कोई हिसाब साफ करना चाहो, मैं उसके लिए तैयार हूं। ऐसा मत कहिए प्लीज, जो गलत फहमी थी वो तो बहुत पहले ही दूर हो चुकी थी। मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने आपके बारे में बुरा सोचा, और राधा जैसी देवी को। तो फिर आओ अंदर। नहीं, मैं क्या मुंह लेकर? सब ठीक हो जाएगा, मैं जो हूं। आ, राधा, मैंने जब भी तुमसे कुछ मांगा है राधा, हमेशा किस्मत आड़े आती रही, मगर आज हिम्मत करके एक बार और मांगता हूं। आलोक बाबू को स्वीकार कर लो, एक नई जिंदगी शुरू करो इनके साथ। तुम्हें खोकर आलोक बाबू बहुत पछताए हैं, और सच्चे दिल से पश्चाताप करने वाले को तो भगवान भी माफ कर देता है। मेरी बात मान लो, माफ कर दो इन्हें। बेटी, अपने पिता से आशीर्वाद लो। डैडी, मिस्टर रामकुमार। हाँ, आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मेरा काम भी खत्म हो चुका है, अभी दो मिनट में हाजिर होता हूँ। ददिया, चलता हूं मैं, मेरा वक्त हो गया है। रामू, मेरे बच्चे, इस उम्र में मुझे अकेले छोड़कर जा रहा है। अरे, मेरी चिता को आग कौन लगाएगा? अरे, हे ददिया ददिया ददिया, झूठ मत बोल। हाँ, अकेली कहाँ, हरा भरा घर छोड़ के जा रहा हूँ तेरे पास, और रही तेरी चिता में आग लगाने की बात, वो मैं इतना सता ने, तब से तू यही कह रही है, मगर मरती मरती तो है नहीं तू। मगर अब जल्दी मत करना, ये अपनी मीरा का पोता होगा ना, वो आग देगा तेरी चिता को। तब तक तू मत मरना दादी। मां
बाबू सबके सर पे अपना हाथ बनाए रखना। रामू गोपी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है, कौन है तू मेरा? तू मेरा दोस्त भी है, भाई भी है, सेक्रेटरी भी है, और अब जवाई भी बन गया है। खैर, सबका ख्याल रखना, और हाँ, घर गृहस्थी में इतना मत खो जाना कि मुझे भूल जाओ। राम भैया, क्या कर रहा है? मैं घर की जिम्मेदारी तुझे सौंप के जा रहा हूँ और तू रो रहा है? कैसा मत बच्चा है तू? नहीं 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 नहीं। आलोक बाबू, राधा, आप लोग मुझसे एक वादा कीजिए, आप दोनों इसी घर में रहेंगे, ये जो कुछ भी है आपकी मीरा का ही तो है, बड़ी धूमधाम से शादी करना है इसकी, कोई कसर मत छोड़ना मेरी गुड़िया रानी के लिए। और हाँ, अगर मैं शादी में नहीं आ सका तो याद जरूर कर लीजिएगा मुझे। हाँ गुड़िया। डैडी। नहीं 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 नहीं, नो क्राई नो क्राई, ठीक कहा ना मैंने इस बार? नहीं डैडी, डोंट क्राई। ओह हाँ हाँ हाँ, डोंट क्राई डोंट क्राई, ये ठीक कहा ना? डोंट क्राई डोंट क्राई डोंट क्राई डोंट क्राई डोंट क्राई डोंट। राम